ci zebbi. Ti pare bene, anche ogni apnesata guarda dove si cade. Tu per acqua abbi sbagliato con la garota. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने वाले तमाम नाज़रीन ठीक होंगे। चूँकि आज ईद का दिन है तो मेरी तरफ से आप सबको दिल की अता गहराइयों से ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। और आज हम जाने वाले हैं जुमर खान की तरफ, जो कि हमने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया था। और आज के इस ब्लॉग में जो है हम मुख्तलिफ जगह जो है जुमर खान में वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे और जुमर खान चपचराग के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो भी हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे, तो हमारे साथ रहें, शुक्रिया। तो अभी हम दोस्तों के पास पहुंच चुके हैं और यहां से जो है प्रोग्राम की तैयारियां करने के बाद तकरीबन थोड़ी देर बाद हम यहां से जो है जुमर खान के लिए रवाना होंगे। जाने से पहले सोचा कि एक मोमेंट बच्चों के साथ भी गुजारी जाए। आपका क्या नाम है? हाँ, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मन है। आपका क्या नाम है? काबिशा। काबिशा, आपका नाम क्या है? पीनू। ये आपका क्या? यामी। तो बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ। जुमर खान जाते हुए रास्ते में देखा तो नौजवान एक जगह जमा होकर जश्न और खुशी मना रहे थे, और उनकी खुशी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और अपना कैमरा उठाकर इस हसीन मोमेंट को अपने कैमरे में कैद किया। तो बिल आखिर मैं और परवेज भी जुमर खान के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमसे पहले हमारे चार दोस्त ऑलरेडी आगे जा चुके थे और रास्ते में हम इंशाल्लाह उनके साथ मुलाकात करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जुमर खान जाने के रास्तों की क्या हालत है। ख़ास तौर पर बाइक लेकर यहाँ आना तो बहुत ही मुश्किल है, और वैसे परवेज यहाँ उसका आना जाना रहता है जिसकी वजह से मैं उसके साथ बैठा हूँ, वरना इस रास्ते में तो बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है। बिजलीघर के करीब रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ानी तोदे ने तो तबाही मचा दी थी, जिस वजह से जो है यहाँ से बाइक डबल करके ले जाना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से परवेज सिंगल ही वो बाइक आगे ले गया। और ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो है रास्ते हैं। अभी मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा और परवेज बाइक ले कर आगे जाएगा। तो फाइनली हम पेट्रोल पहुँचे, यानी गर्म चश्मा। पता नहीं है कि किस एंगल से इसे गर्म चश्मा इसका नाम रखा गया है। वैसे इसके पानी को अगर आप पीकर देखें तो गर्म भी नहीं है और इंतहाई ठंडा है। और ये भाई साहब जो है अपना बैग लेके खाली बाइक में मुझ पर जुल्म करके ये इधर पहुंच गए, और ये हमारा गर्म चश्मा। तो हमारे बाकी दोस्त भी अलमास की क़ियादत में थके हारे पेट्रोल पहुंच गए हैं, और यहां से हम तकरीबन थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर रवाना होंगे। अली भाई, रफीक और शमसियार इकट्ठे जो है पेट्रोल तशरीफ़ ला चुके हैं, और यहां से थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर जुमर खान के लिए रवाना होंगे। तकरीबन हमारे ऊपर जो है 20 मिनट का सफ़र और रहता है। सो फाइनली हम चपचराग पहुंच गए हैं, और यहां से जो है हम आपको मज़ीद जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम यहां पर पहुंचे हैं और ये दोस्त जो है यहां पर अस्सलामु अलैकुम। तो आज रात के लिए हमारा यहां पर जो है हम यहां अपना रात गुजारेंगे। यहां पर जो है अली भाई का ये कमरा है, यहाँ पर आके जो है वो रहता है। अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद सबसे पहली काम जो होती है वो काम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और हमें भी हमारे हिसाब से काम दिया गया। कैंपिंग का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। अब इस बंदे को देखो, घर में अगर इससे कुछ काम करने को कहा जाए तो ये जो है एक भी काम नहीं करेगा। यहाँ आके बर्तन धोना और सारा काम जो ये खुद संभाल लिए। अभी इस बंदे को देखो, ये घर में सबसे सुस्त और काहिल बंदा ये है। यहाँ आके चिकन धोने के लिए खुद ब खुद तैयार बैठा है और वो धो रहा है।
और इसके साथ जो है अभी शमसियार को देखो कि बर्तन ला रहा है और धो रहा है, सब अपने शौक से जो ये काम कर रहे हैं लेकिन घर में कोई काम नहीं करता। इस बर्तन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे भी लोग रहते हैं यार। आप जिधर भी जाए ना अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप बर्तन में कुछ पकाए तो फिर उसे धो। ये देख सकते हैं कि ये ख़राब और सड़ चुका है, और इसी तरह आप अपने बर्तन और सब चीज़ों का ख्याल रखें। और ये बाकी चीज़ें भी जो है वो हमारे दोस्त मिलकर धो रहे हैं, वो साफ़ करेंगे हम, और फिर प्रॉपर तरीके से हम वापस जाएंगे। मैं और अलमास मिलकर जो है वो चिकन पीसेस बना रहे हैं, और उन पीसेस को एक बर्तन में रखकर फिर धोने के बाद हम उनको जो है ऊपर ले जाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ सीनियर ग्रुप की तरफ, और उनका प्रोग्राम भी बहुत ही बड़े पैमाने का है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ बड़ा गोश्त ला चुके हैं, और बदकिस्मती से हमें टाइम शॉर्ट होने की वजह से बड़ा गोश्त नहीं मिल सका और हम वैसे ही आ गए। और आज उनका प्रोग्राम जो है उनके पास ऑडियोनिक की स्पीकर भी है, और वो अपने साथ जनरेटर भी ला चुके हैं, और वो आज यहाँ पर ही क़याम करने वाले हैं। तो अभी अलमास और परवेज़ जो है वो चिकन पीसेस को एक एक करके धो रहे हैं, और साफ़ करने के बाद जो है अलमास फिर अपना काम जो है वो शुरू करेगा। और अलमास जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो हमारे लिए आज बारबेक्यू बना रहा है, तो सबसे पहले वो चिकन पीसेस के ऊपर नींबू छिड़कने के बाद फिर वो मसाला जो है वो उसके ऊपर लगाता है। तो असल बात यह है कि इससे मुझे भी थोड़ा आइडिया हो गया है कि किस तरह से जो है वो बारबेक्यू बनाया जाता है। सबसे पहले जो नींबू है वो उसको गोश्त के ऊपर छिड़कने के बाद मसाला उसके ऊपर डाल के फिर अच्छी तरह से जो है ना मिक्स की जाती है, फिर आपका जो मटेरियल है वो रेडी हो जाता है। हमने अपना सारा काम फिनिश कर दिया है, और अभी हम जाएंगे परवेज़ के पास। वो मेरे ख़्याल से जो है बिरयानी के लिए जो है ना बंदोबस्त शुरू किया। अभी हम मैंने अंदर आ गया हूँ, और ये है किचन, और अलमास परवेज़ बिरयानी बना रहा है, और शमसियार जो है उसको गाइड कर रहा है। अभी मैं आपको चपचराख के जो घर जो है किस तरह से बने हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर जो है पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाते हैं, और जो सीज़न आता है फ़र्ज़ करें कि लकड़ियाँ जमा करने का सीज़न या दूसरा कोई सीज़न होता है, तो लोग यहाँ आकर इधर ठहर कर अपने जो काम है वो सर अंजाम देते हैं। तो ये हमारे पीछे जो है चपचराख का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, और इससे ऊपर जो है डोग का इलाका है, और वह भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं कल आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यहाँ पर जो है हमारे आज के रात के लिए जो इंतज़ाम किया जा रहा है, सब ने अपना जो है ड्यूटी संभाल लिया है, और रफ़ीक अली को जो है लकड़ी काटने का ज़िम्मा दिया गया है। देखते हैं कि वो किस तरह काट रहा है। वैसे ओ बच्चा क्या कर रहा है यार, इधर से लकड़ी उठा रहा हूँ लकड़ी। अच्छा भाईजान, आप अपने अपना जो काम है वो शुरू कर लिया? हाँ यार, अभी बस शुरू हो गया है यार। ता और बता क्या आपका जो है तर्ज कुकिंग क्या है, किस तरह से आप मत करो इधर आके काम करो, रेजू बनाते उधर जाते हो, इधर जाते हो, इधर आके। वाह 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 वाह, बंदे बंदे यार, वो चावे दो के ले आओ यार, जाओ किसका काम है बस आप यार, इधर रेजू बना रहे हो, जाओ चावे दो के ले आओ यार। है क्या बिरयानी मिला रखी बना।
کیمپنگ کا اپنا ہی ایک الگ اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام میں تو مشغول رہنا ہی پڑے گا۔ اب اس بندے کو دیکھو کہ یہ جو ہے سیخ میں جو گوشت ڈالنے کا کام ہے وہ اسٹارٹ کر چکا ہے، اور ساتھ ساتھ پرویز اس کی مدد میں لگ چکا ہے، اور مجھے کوئلہ گرم کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور میں کوئلہ گرم کرنے کے بعد الماس کو دوں گا تو وہ پراپر طریقے سے جو ہے اپنے کام کا آغاز کرے گا، اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر بعد جو ہے ہمیں مزے کے جو باربیکیوز ہے وہ کھانے کو مل جائیں گے، اور ہم اس پل کا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، تو ابھی ہم شام کے تقریباً 6 بج چکے ہیں اور ہم ابھی چمار خان ڈھوک کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ شام کا نظارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پیچھے جو ہے ہمارے دو دوست آ رہے ہیں، سردی اتنا ہے کہ بتا نہیں سکتا کہ بہت ہی سردی ہے ادھر، اور اس میں جو ہے وہ اس سائٹ میں ہمارے ہم نے اپنا جو ہے کیمپنگ لگا دیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے دوست تھکے ہارے ادھر بیٹھے ہیں، اور یہ تین چار دوست جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں لکڑی جلانے کے لیے، تو اوپر جا کے ہم جو ہے نا وہ لکڑی جلائیں گے، تو اس کے بعد وہ بھی نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ڈوگ کا جو ہے وہ کٹو کہتے ہیں ہمارے زبان میں وہ ہے، اور ادھر ہم پچھلی سال آئے تھے اور ادھر آ کے محفل ہم نے لگایا تھا اپنا، اور یہ تین بندے جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈوگ کے اوپر پہنچنے کے بعد سب دوستوں نے جو ہے لکڑیاں اکٹھے کیے اور پھر ان کو جلانا شروع کر دیے، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑے پیمانے پر آگ لگا دیے، اور یہ آگ جو ہے ہمیں گرم رکھے گا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے ڈوگ کے اوپر، اور موسم بھی خراب ہے، بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم رات کے جو ہے تقریباً 10 یا 11 بج چکے ہیں، ہم کھانے کے لیے ابھی تیار ہے کیونکہ بھوک بھی بہت لگی ہے، شام کو کچھ کھایا تھا اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے کچھ نہیں کھایا ہے، اور ابھی شمسیار جو ہے کھانا لگا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم نے دسترخوان لگا دی ہے اور وہ جلد ہمیں کھانا جو ہے سرو کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رات اچھی گزارنے کے بعد ابھی صبح اٹھ گئے ہیں، اور شمسیار نے چائے تیار کی ہے، اور ہم نے اپنے ساتھ جو ہے ملک کریم لایا تھا، اور اس کے ساتھ بریڈ بھی ہم نے لائے تھے، اور ہم ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ میرے دوستوں کو جب کہا جائے کہ واپس گھر جانا ہے تو دیکھ سکتے ہو میرے دوستوں کے چہرے ایک دم سے اتر جاتے ہیں۔ چمار خان چپچراغ کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو درخت بہت ہی وافر پیمانے پر ملیں گے، اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے یہ ایور گرین کا درخت ہے۔ تو دوستو ابھی ہم جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم نے باہر لائی تھی وہ بھی ہم اندر رکھ کے جو ہے پراپر طریقے سے یہاں سے جائیں گے، اور میں دوستوں کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے پیکنگ کر رہے ہیں، اور جو چیزیں باہر پڑی ہے وہ بھی اندر لے جا رہے ہیں۔ روان اور آویں روان اور آویں تو دی روان اور آویں کلا روان اور آویں کی۔ ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ کوئی سامان اگر ہم سے چھوٹ جائے تو ہم وہ اپنے ساتھ اٹھا لیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے اپنا سارا کچھ سامان جو ہے وہ پیک کر لیا ہے۔ ابھی یہ جو ہے علی بھائی اپنے دروازہ بند کرنا ہے اور آرام سے نکل جانا ہے یہاں سے۔
تو بالآخر ہم چمر خان سے روانہ ہونے والے ہیں اور ایک ایک کر کے یہاں سے جائیں گے. ابھی جو ہے الماز آئے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو ملاتے ہیں رفیق علی سے اور اس کے بعد آپ کو دیدار کرائیں گے علی بھائی کا. اور ساتھ ہی میں چوتھے نمبر پر پیچھے کیمرہ پکڑ کے آ رہا ہوں. دو تین سال پہلے سگان سر کے نام سے یہاں پر پل ہوا کرتی تھی, سیلاب برد ہونے کی وجہ سے ابھی اس کا نام و نشان نہیں. تو بالآخر ہم چپڑی کے احاطے میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں سے تھوڑی آگے جانے کے بعد جو لاسٹ گھر ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ ایریا جو ہے یہاں سے چپڑی اور ہندور کے پانی کا سسٹم آتی ہے, لیکن یہ چشمہ جو ہے یہ بہت ہی برے حالات میں ہے. سو فائنلی اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے جو ہے گھر پر پہنچ چکے ہیں. اور یہاں تک جنہوں نے ویڈیو دیکھا ہے آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ. اور یہاں سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے بعد جو ہے وہ گھر جائیں گے. تو چینل کو لائک سبسکرائب اور فالو ضرور کریں. شکریہ. السلام علیکم.